गर्ल्स सब कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। दिस इज शिवानी सिंह हियर, इंग्लिश टुडे, वेलकम यू ओवर माय बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट का, जो फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर का सेकंड पार्ट है, द ब्लैक एरोप्लेन। आई होप आपने फर्स्ट फ्लाइट के सारे क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे और जितने स्टोरी को अच्छे से रीड किया होगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी दैट चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। सिमिलरली दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आप दोनों चैप्टर्स को रीड करेंगे, साइमल्टेनियसली रीड करिए, चाहे एक दिन पे रीड करिए, बट यू हैव टू रीड इट, क्योंकि इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। वन मार्कर बोलो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन बोलो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन बोलो, इसमें से बनते ही बनते हैं क्वेश्चन। सो ये चैप्टर तो फॉर श्योर मिलेगा आपको एग्जाम्स में, चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें से तो पक्का क्वेश्चन मिलने ही वाले। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन बेसिकली एक ऐसी स्टोरी है जो इमेजिनेशन पे बेस्ड है, कि एक पायलट होता है, वो फिर एक स्टॉर्म में फंस जाता है, उसको वो किस तरह से स्टॉर्म से बाहर आता है, ये सारी स्टोरी है इस चैप्टर में। सो स्टार्ट करते हैं। जो पायलट होता है वो बेसिकली जा रहा होता है अपनी फ्लाइट लेने के लिए, और वो काफी अच्छा पायलट है। ऐसा नहीं है कि मतलब यू नो न्यू कमर है, कोई न्यू पायलट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट नहीं ले रहा होता, उसमें बहुत सारी फ्लाइट्स ही होती हैं। लेकिन ही वॉज वेरी हैप्पी कि उसको अभी फ्लाइट लेने का मौका मिल रहा है, तो वो जाके अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेगा अपनी फैमिली के साथ। ही इज़ वेरी हैप्पी फॉर इट, और बेसिकली वो इस फ्लाइट के लिए इसीलिए यू नो वेरी एक्साइटेड था, क्योंकि उसको उसकी फैमिली से मिलने का मौका मिलने वाला था, कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही विल बी विद हिज फैमिली, और वो उनके साथ टाइम स्पेंड करेगा। बेसिकली ब्रेकफास्ट यहाँ पर टाइम स्पेंड की बात कर रहा था, कि ब्रेकफास्ट करेगा, टाइम स्पेंड करेगा, उनके साथ खाएगा पिएगा, मस्ती करेगा, सारी चीज़ें करेगा। सो पायलट वॉज रेडी हैप्पी। सो जब वो अपनी फ्लाइट के लिए जाता है, तो वो अपना पूरा यू नो एटमोसफेयर, जो भी मौसम वगैरह है, वेदर अपडेट्स चेक करता है, तो सारा कुछ क्लियर होता है कि वेदर बिल्कुल क्लियर है, कोई यू नो ट्रैफिक नहीं है वहाँ पर, जो एयर ट्रैफिक होता है वो सारी चीज़ें नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि वो जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगा थोड़ी देर में अपनी फैमिली के पास होगा वो। सो जैसे ही वो अपनी फ्लाइट लेता है, तो वो वहाँ पर अपने कंट्रोल रूम में कॉल करके बोलता है कि मैं अब फ्लाइट लेने जा रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ से ऐसे निकलने वाला हूँ, क्योंकि ये उनको बताना होता है कि नाउ आई एम टेकिंग ऑफ। सो वो टेक ऑफ करता है। जब वो टेक ऑफ करता है, तो वो चेक करता है सारी चीज़ें कि फ्यूल इनफ है, बाकी सारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं, सारी चीज़ें चेक करता है, और एवरीथिंग इज़ वेरी परफेक्ट, सब कुछ परफेक्टली है। सो ही इज़ वेरी हैप्पी कि कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली, बहुत स्मूथ फ्लाइट है, ही इज़ कंटेंट विद इट। सो जैसे ही वो फ्लाइट लेता है, तो थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि कुछ मौसम में, वेदर में कुछ चेंजेस आने लग गए हैं। सडनली वो देखता है कि स्टॉर्म आने लग गया है, और इतना ज़्यादा मतलब, तो वो सोचता है कि चलो स्टॉर्म में क्रॉस कर लेंगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, वैसे वैसे वो देखता है कि जो स्टॉर्म था वो बहुत ज़्यादा भयंकर हो चुका है। अब वो पहले जो हल्का फुल्का था, अब वो काफ़ी डेंस हो चुका है, अब वो बिल्कुल ब्लैक कलर के क्लाउड्स दिखते हैं। उससे ऐसा फील हो रहा है कि अब वो रात हो चुकी है और इतना डेंस हो रखा है कि उसको कुछ भी नहीं दिख रहा। सो वट इज़ ही थिंकिंग कि या तो वो इसको वापस चला जाए, लेकिन उसके माइंड में कि नहीं, मुझे अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, मुझे अपनी फैमिली के साथ जो ब्रेकफास्ट है वो करना है। सो वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तो फिर वो सोचता है कि मैं ऊपर से चला जाता हूँ, स्टॉर्म को जो एरोप्लेन है उसकी थोड़ी हाइट बढ़ा के, हाइट इंक्रीज करके, उसके बाद उसको क्रॉस करके चला जाता हूँ। लेकिन वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसने देखा कि फ्यूल इतना इनफ नहीं है, सिर्फ इतना ही फ्यूल है कि वो अपनी फ्लाइट डायरेक्टली ले सके। हाइट के लिए जाएगा तो फिर वहाँ पर एक्स्ट्रा फ्यूल लगेगा, तो वो चीज़ नहीं कर सकता। सेकेंडली वो सोचता है कि मैं वापस चला जाता हूँ, पर वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। अब वो क्या करता है, वो कहता है जो होगा देखा जाएगा, वो उस स्टॉर्म के अंदर घुस जाता है। और जैसे ही वो उस स्टॉर्म के अंदर एंटर करता है, तो वो ये देखता है कि चलो चारों तरफ अब अंधेरा हो चुका है। नाउ ही इज लुकिंग फॉर डायरेक्शंस, क्योंकि अब चारों तरफ अंधेरा है, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है। ही इज लुकिंग फॉर दी डायरेक्शंस कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। सो डायरेक्शन के लिए सबसे पहले वो क्या चेक करेगा? कंपस। अब जब वो कंपस की तरफ चेक करता है, कंपस देखता है, तो वो मतलब उसका होश उड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया, क्योंकि कंपस की जो निडल होती है वो गोल गोल घूमने लगी है। इसका मतलब जो कंपस है वो उसका
खराब हो चुका है। अब वो क्या करता है, वो रेडियो पे कनेक्ट करने की कोशिश करता है कि किसी तरह से स्टेशन कंट्रोलर के पास कॉल कनेक्ट हो जाए और वो उनसे डिस्कस कर सके, बट रेडियो खराब हो चुका है। जितने भी उसके इक्विपमेंट्स थे वहां पर जिनके थ्रू वो कनेक्ट कर सकता था किसी से भी या कोई भी हेल्प ले सकता था, वो सारी चीजें अब खराब हो चुकी हैं। सो ही इज कम्प्लीटली लॉस्ट इन दैट ब्लैक स्टॉर्म। उस ब्लैक स्टॉर्म के अंदर वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुका है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करे। सो ही इज लाइक कि अब तो हम गए, बट सडनली व्हाट ही सीज कि उसके साइड में एक दूसरा एरोप्लेन आ जाता है और उसको उसकी लाइट की वजह से समझ में आता है कि हाँ कोई दूसरा एरोप्लेन है, और उसमें से वो देखता है कि वहां से उन्होंने उसको वेव करके उसको बोला है, डायरेक्शन बताई कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। सो वो पैनिक, पहले तो वो बहुत ज्यादा पैनिक था, लेकिन अब जब उसको दूसरा एरोप्लेन दिखा है सो ही इज लाइक कि मतलब मेरे को ये एरोप्लेन हेल्प करने वाला है, शायद स्टेशन कंट्रोलर से ही आया होगा, उन लोगों ने भेजा होगा कि तुम इसके पीछे पीछे चले जाओ। सो वो उसके तो वो जो दूसरे एरोप्लेन का जो पायलट होता है वो उसको बोलता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ, कम्युनिकेट करके उसको बोल देता है कि यू कम बिहाइंड मी सो यू कैन फॉलो मी। सो वो बोलता है ओके डन। अब वो उसके उसको फॉलो करता है, फॉलो करते करते क्या होता है एक पॉइंट के बाद मतलब सारी चीजें हो रही हैं और उसका फ्यूल भी अब खत्म होने लग गया, तो उसको और डर लगने लग गया कि अब तो भाई हम गए। तो अब वो होप कर रहा है कि ये स्टॉर्म किसी तरह से जल्दी से ओवर हो जाए और हमें जल्दी से कोई ना कोई यू नो वो मिल जाए, रनवे मिल जाए कि वहां पर हम अपना प्लेन जो है वो लैंड करवा सके। सो वो जो दूसरा ब्लैक एरोप्लेन होता है, ब्लैक कलर का एरोप्लेन वो उसको नाम देता है ब्लैक एरोप्लेन, उसने हेल्प करी होती है, तो वो उसके आगे आता है और वो उसको फॉलो करते करते एक जैसे वो फॉलो करता है तो वो देखता है अरे ये तो मतलब बहुत सारी लाइट्स आ गई हैं, ऐसा लगता है कि रनवे आ गए। सो उसको बहुत रिलीफ फील होता है और वो अपना प्लेन वहां पर उतारता है। जैसे ही वो प्लेन उतारता है तो बेसिकली होता क्या है कि जो भी पायलट हैं या जो भी क्रू मेंबर्स हैं फ्लाइट के वो सब पहले पैसेंजर्स को उतारते हैं, वो फिर उतरते हैं, लेकिन जो पायलट होता है वो इतनी जल्दी में होता है कि उसको उसे थैंक यू बोलना होता है दूसरे एरोप्लेन वाले पायलट को कि वो बिना कुछ बोले वो तुरंत उतर के वहां से भाग जाता है और वो उनको जाके उसे मिलने के लिए जाता है। तो जब वो जाता है तो वहां पर जो स्टेशन कंट्रोलर पे जो मैडम बैठी होती है उनसे बोलता है कि मतलब मुझे वो दूसरे वाले जो एरोप्लेन का पायलट था मुझे उनसे मिलना है। सो वो जो लेडी होती है वो उसको बहुत यू नो स्ट्रेंज लुक देती है, बहुत ही सीरियस लुक देती है कि मतलब ये क्या बोल रहे हो, कंफ्यूजिंग सा लुक देती है वो। फिर वो बोलती है कि मतलब कौन सा एरोप्लेन, तुम किस एरोप्लेन की बात करो, तो वो बोलता है कि वो ही एरोप्लेन जिसके पीछे पीछे मैं आया हूँ, जिसने मुझे डायरेक्ट किया था कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ, तो मैं उसके पीछे पीछे आया, मुझे उसी एरोप्लेन के पायलट से मिलना है। सो शी इज वेरी कंफ्यूज, वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है और बहुत हैरान भी हो जाती है कि मतलब ये क्या बोल रहा है। देन शी टेल्स हिम कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं था क्योंकि स्टॉर्म इतना ज्यादा था तो हमने चेक किया था, हमारे जो एयर ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वहां पर भी हमें सिर्फ यही पता चला कि सिर्फ आपका स्टॉर्म था, जो हमारा रडार है उसमें भी हमें यही पता चला सिर्फ आपका ही इकलौता प्लेन था जो स्टॉर्म में फंस गया था, और दैट्स व्हाई वी वर वेरी यू नो वेरी वरिड अबाउट यू कि अब आप कैसे निकलेंगे क्योंकि स्टॉर्म बहुत ज्यादा डेंजरस था, सो वी वर वेरी वरिड। तो वो बोलता है कि नहीं अरे मैं किसी के साथ आया हूँ, तो शी सेज कि नहीं रडार पे आप चेक कर सकते हो, रडार पे हमें कोई दूसरा एरोप्लेन मिला ही नहीं है, देयर वाज ओनली वन एरोप्लेन एंड दैट वाज योर्स ओनली। सो ही थिंक्स कि मतलब उसको किसी ने तो हेल्प करी लेकिन वो था कौन। देन ही थिंक्स कि वो शायद उसकी इमेजिनेशन ही थी या फिर उसकी इनर पावर थी कि उसने उसको हेल्प करा कि हाँ तुम्हें इस तरह से मूव करना है, and this is how he comes out of the storm. So this is the story कि वो किस तरह से storm में फंसता है, storm से बाहर निकलता है इतनी सारी problems के बाद। So the important questions are कि उसको help कौन करता है, black aeroplane क्या actual में था, और अगर black aeroplane actual में नहीं था तो फिर उसकी help किसने करी थी, ये important question है कि उसकी help की किसने थी। So you can write कि it was his inner imagination, it was his inner power, it was his imagination which led him to the right direction.
और वहां पर एक क्वेश्चन जो और बनता है कि उसको उसकी फ्लाइट में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी कि उसके जितने भी इक्विपमेंट्स थे, कंपास था, रेडियो था, वो सारे के सारे बेकार हो गए थे, खराब हो गए थे। वो जब स्टॉर्म में जाता है तो वहां पर उसका फ्यूल भी खत्म होने वाला होता है और वो मतलब बहुत ज्यादा जर्क लग रहे होते हैं, और फिर सडनली उसको ये लगता है कि अब तो गए हम, लेकिन फिर भी उसको एक ब्लैक एरोप्लेन आके हेल्प करता है जिसके बाद वो स्टॉर्म से बाहर आ जाता है। सो दिस इज व्हाट द स्टोरी वॉज। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, आई होप आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। प्लीज इस चैप्टर को भी रीड करना क्योंकि ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है एज लाइक द प्रीवियस वन। सो आई होप यू विल रीड इट। आई जस्ट विश यू गाइज रीड इट, क्योंकि अगर आपने ये रीड नहीं किया तो इसमें जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन बनेंगे या रीडिंग टू द कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन बनेंगे, यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, यू वुड नॉट बी एबल टू कनेक्ट कि ये कौन से चैप्टर से आया। सो प्लीज जस्ट गो थ्रू द चैप्टर वंस और भाई पढ़ लो एक बार को तो पढ़ लो, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से है। मैं आपको बता रही हूँ जो जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी, और मैं एंड में भी बताऊंगी कि कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको 100% करनी है। सो ये दोनों चैप्टर्स तो उनमें से हैं जो आपको 100% करने ही करने हैं। उसके बाद लेंचो भी उनमें से एक ही है, लेंचो फिर भी आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन ये दोनों चैप्टर्स आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हो। सो प्लीज गो थ्रू इट, इसको रीड जरूर करना, एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, आई होप आपको क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।